मंजरी ने मांगा अक्षरा से वादा, कभी नहीं आना चाहिए अभिनव अभिमन्यु और तुम्हारे बीच। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि मुस्कान जान चुकी है अक्षरा की प्रेगनेंसी का सीक्रेट। इतना ही नहीं, मुस्कान को ये भी पता चल चुका है कि अक्षरा ने यह वादा किया है मंजरी से कि वो कभी भी अभिनव को अपने और अभिमन्यु के बीच नहीं आने देगी। तो ऐसे में अब दोस्तों अभिनव के होने वाले बच्चे की सच्चाई का सच कैसे आएगा सामने? मुस्कान यहाँ पे बहुत बड़ा गेम खेलेगी। वो ऑलरेडी मान चुकी है कि वो अक्षरा अभिमन्यु की शादी बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती, इसीलिए अब उसे मिल चुका है मौका जिसकी तलाश थी मुस्कान को। वेल दोस्तों आपको बता दें कि मुस्कान के हाथों में अक्षरा की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स लगने वाली है, जिन्हें लेकर सीधा मुस्कान पहुंचेगी बिरला हाउस और मिठाई भी लेकर जाएगी और बोलेगी, अरे मिठाई लीजिए, खुशी का माहौल है, बहुत बड़ी गुड न्यूज सुनाने आई हूँ मैं मंजरी जी आपको। यहाँ पे मंजरी को लगेगा कि शायद मुस्कान ने अक्षरा और अभिमन्यु के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है और शायद मुस्कान को पछतावा है इसीलिए वो आई है। लेकिन यहाँ पे तो मंजरी को लड्डू खिलाते हुए मुस्कान ये कहेगी कि भाभी के पेट में मेरे भाई जी का बच्चा है, और ये सुनते ही मंजरी के हाथों से लड्डू गिर जाएगा, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और वो हैरान हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अक्षरा ने जो सच्चाई मंजरी से छुपाई हुई थी, ढोल नगाड़े बजा बजा कर जोर जोर से मुस्कान ने वो सारी सच्चाई बिरला हाउस के सामने जाकर रख दी। लेकिन आपको बता दे कि मंजरी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है अक्षरा और अभिनव के बच्चे को। लेकिन दूसरी तरफ अभिमन्यु ये वादा कर चुका है कि वो अक्षरा और अभिनव के बच्चे को अपनी सगी औलाद की तरह प्यार करने वाला है। अब ऐसे में कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा? शादी तो दोस्तों होने से रही, लेकिन अब होगा क्या ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस नए एपिसोड की नई कहानी पे आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।